22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए को लगातार उनके ही सिपा सलार लगातार झटका दे रहे हैं। आप जानते हैं यह सिलसिला शुरू हुआ था सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से जेडीयू उम्मीदवार वरुण कुमार ने अपना टिकट पार्टी को वापस कर दिया था और उसके बाद आनन फानन में बीजेपी से एंट्री होती है जेडीयू में सुनील कुमार पिंटू की, और जेडीयू सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से अपना उम्मीदवार बनाती है और सीतामढ़ी में उनका विरोध हो रहा है, यह भी खबर हम आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जेडीयू के एक और विधायक हैं हायाघाट से, उन्होंने पार्टी को झटका देने की तैयारी कर ली है। अमरनाथ गामी जो जेडीयू विधायक हैं वो पार्टी और विधायकी छोड़ चुके हैं, ये खबर भी हम आपको बता रहे हैं। तो जेडीयू के बाद अब बीजेपी को भी उनके एक विधायक ने झटका देने की तैयारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि बगहा से बीजेपी विधायक राघव शरण पांडे पार्टी और विधायकी छोड़ सकते हैं। दरअसल खबर ये आ रही है कि राघव शरण पांडे लोकसभा का टिकट चाहते थे पार्टी की ओर से, उन्हें टिकट नहीं मिला, और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि उन्होंने टिकट के लिए कांग्रेस का भी दरवाजा खटखटाया था। बिहार प्रभारी जो कांग्रेस के हैं शक्ति सिंह गोहिल, उनसे भी मुलाकात की थी, ना तो कांग्रेस में बात बनी ना बीजेपी ने उन्हें पार्टी का टिकट दिया। इसके बाद लगातार उनकी नाराजगी बढ़ती गई बीजेपी से, और अब खबर है कि वे पार्टी छोड़ सकते हैं, विधायकी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। कल वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ऐसी खबर है हमारे पास कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करेंगे बगहा से बीजेपी विधायक राघव शरण पांडे, और उन्होंने पार्टी छोड़ने की जो वजह बताई है, अपने इस बड़े ऐलान की जो वजह बताई है वो ये बताई है कि क्षेत्र के लोग असंतुष्ट हैं, उनकी नाराजगी है क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिला, और क्षेत्र के लोगों के गुस्से को देखते हुए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। तो जेडीयू के बाद अब बीजेपी को भी झटका लगा है। बगहा से बीजेपी विधायक राघव शरण पांडे पार्टी छोड़ सकते हैं, विधायकी भी छोड़ सकते हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।